क्या बात है मन्ना, अपना गुस्सा बाइक पर क्यों निकाल रहे हो? हमें सब पता है कि तुम्हारी बाइक स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। अच्छा छुपा बताओ, क्या बताया चाचा? गौरी जी और अम्मा के बीच में हम पिस रहे, तब से शादी हुई ना सुकून नहीं है हमें, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। ठीक है ठीक है ठीक है, हम समझ गए, जरा वहां से हटो, आगे हम देखते हैं। हट। विश्राम, हम आ गए। हम भी आ गए छुट्टन भैया। अच्छा किया। गंगाजल। तूफान आया है, बहुत जोर का तूफान आया है। कहां तक पहुंचा है? माताजी के कमरे तक। माता जी, अब हम आपको क्या बताएं? हमारी तो ना किस्मत ही खराब है, कुछ भी कर लें, अपनी जान तक निकाल के रख देना, तब भी हमें सिर्फ गरेने ही सुनने पड़ेंगे। फिर वो चाहे बड़ों से सुने या फिर छोटों से। अब हमारे अलावा तुम्हें गरेने देने की हिम्मत किसकी हुई जौनपुर वाली? गौरी की माता जी, और किसकी? क्या? हाँ माता जी, अब देखिए, साड़ियां, गहने, हर चीज एक से बढ़कर एक दी हमने गौरी के ब्याह में, किसी चीज की कोई कमी नहीं रखी, लेकिन उसने हमें उन दो चार सूती साड़ियों के लिए जलील कर दिया जो हमने गरीबों में बटवा दी। ऐसा नहीं है जौनपुर वाली, वो कहा है कि मायके से आई हर चीज पर लड़की का भावनात्मक जुड़ाव होता है, इसीलिए भावुक हो गई होगी बेचारी। माता जी, आपको उसकी भावनाओं का ख्याल है और हमारी भावनाएं जो आहत हुई उसका क्या? तुम बड़ी हो, समझदार हो, समझा दो उसे। माता जी, अब गौरी भी दूध पीती बच्ची तो नहीं है जो हर बात उसे समझाए। और आप बताइए, हमने ऐसा क्या गजब कर दिया माता जी? सस्ती सूती साड़ियां ही तो थी, कौन सा रेशम का जोड़ा था? देखो जौनपुर वाली, अब तुम ये बात का बतंगड़ मत बनाओ। अरे हमने कहा ना, मायके से आई हुई चीज थी इसलिए उसने कह दिया, अब इसमें कीमती और सस्ती वाली बात कहां से आई? माता जी सच्ची कहें, हमारे हिसाब से तो उसे पूछना ही नहीं था। हाँ नहीं तो हमने कभी आपसे पूछा है? हमने तो माता जी आपसे तब भी नहीं पूछा जब हमारे मायके से आई हुई साड़ियां, गहने आपने सब उठा के गोमती जीजी के दहेज में दे दी। हमने तो उफ तक नहीं की माता जी, आपसे कभी कुछ कहा? अभी क्या तो रही हो? नहीं, वो तो बात निकली तो हमारे मुंह से निकल गया। देखो जौनपुर वाली, अब अगर हमने बात निकाली ना तो जौनपुर तलक जाएगी। इसलिए कह रहे हैं, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। माता जी, हम गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रहे हैं, हमने तो आज तक आपसे कभी इस तरह से बात नहीं की, लेकिन जब से ये गौरी घर में आई है ना, तब से हर रोज घर में कुछ ना कुछ होता है, परेशान हो जाते हैं और कुछ ना कुछ कह बैठते हैं। ये जो कुछ हो रहा है ना माता जी, हमसे सहन नहीं होता, हमने कभी ऐसा देखा नहीं ना, तो क्या करें? अब आप ही बताइए। इसीलिए आपसे कहा था, गौरी से रिश्ता मत जोड़िए, लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी। अरे वो तो हमारे साथ वही कर रही है माता जी जो उसने अपने घर में देखा है।
बस भाभी जी, हर बात का दोष लगाना गौरी बिटिया पर आपकी आदत में शुमार हो गया है। बेचारी गौरी बिटिया, सच कहें तो आपको भी निशा जैसी ही बहू मिलनी चाहिए थी, उसी के लायक हैं आप। चल गो फिर काट पट्टा पट्टा। हो आजी नची पाए वरत ठेवा खाली नको ठेव। ये सर चला हात चाल। हो याच्या दिवाणा घाल ना गे। हो घेत आहे सर। हा कोपऱ्या राहिला बघतो त्या कोपऱ्यात। हा त्या त्या कोपऱ्यात। हा गो जरा वाघ खाली। हा सवय नाही तुका। हा बघ हाय सर कर रावला। अगो डोळे उघडे आहे गो धूळ गेली की काय म्हणून खोकला येलो। आजी मला ना धुळीचा थोडा त्रास होतो। हे काम पहिल्यापासून केली असतेस ना तसा त्रास झाला नसता। बताव दे होतले हळूहळू सवय होतले। हा चल काढ काढ केर काढ। जा तिकडे थैसर घेऊन जायचा। हो हो नच्ची। अरे सरू शाळेत गेल्या। जावे बापू रेडिओ गेल्या। आपण दोघच आहोत आज। एका सांगू काय रे काहीतरी चमचमीत खायला करू। आजी मला तिच्या आजचं काही आवडत नाही। तुला हवं असेल तर तू सांग। अरे काया बर जी बघितलं ना हा कसा टेर काढून झाला काय। हो आता एक काम कर। हा पटकन आंघोळ करून घे आणि ये स्वयंपाकघरात। आज तुका ना थालीपीठ कसा करायचा आता शिकवतले मी। बर मग लादी पुसायचं राहू दे का। असं कसं राहू दे ते नंतर कर। कळला भूक लागली आहे ना खायला काहीतरी करू गया की नाही। झालं ना कि मग लादी पुसून घे भांडी घासून घे कळला आणि मग आंघोळ कर आणि दुपारचा स्वयंपाक आणला। परत आंघोळ? अगो परत म्हणजे करूच नको। कचऱ्यात हात घातलं काम केलं त्याच हाताने स्वयंपाक करणार? हो पण तसं नाही आजी म्हणजे मी परत ऑफिसला जायला लागल्यावर हे सगळं कसं जमणार? न जमायला काय झाला। अगो म्हणून तर तुका मी सांगितलंय ना 10 दिवसाची सुट्टी टाकू। म्हणजे असा समज की तुझा 10 दिवसाचा ट्रेनिंग पिरियड हा। त्यात तुका सगळं काम शिकून घेऊ गोया म्हणजे मग तुका सवय होतली। त्याच्यानंतर तू 4 घरची काम करू शकशील ना। चार घरची काम? अगो तसा नाही म्हणजे घरातली 4 कामं आणखी करू शकशील असं म्हणूच होता माका। चल ये। देवा एकटी बाई मी काय काय करणार। अगो चल आले। बेटिया क्या बात चुप चुप क्यों? तबीयत ठीक है तुम्हारी? दिखे ना चाचा जी पता नहीं क्या हुआ गौरी को सुबह से ऐसे ही चुपचाप है। देखा चाचा जी हमने कहा था ना हमारे किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रही है। अब गौरी इसी जरा सी बातों को दिल पे मत लगाया करो। अब अम्मा जी ने जरा सा क्या कह दिया इसमें मुंह चढ़ाने वाली कौन सी बात है। देखो गौरी हम ना उनकी बहुएं हैं और वो हमारी सास हैं। अब बहुएं कभी नाराज होती है क्या? नहीं ना। और वो क्या है ना बहुओं को नाराज होने का हक बिल्कुल नहीं है। हमेशा सास नाराज हो सकती है ना।
सरला भाऊ, मैं भूल ही गया बातों बातों में ये कहना कि वो माताजी ने कहा था कि छत पे मिर्चें सुखानी है, सो आपको मैं वहां भेज दूं। आप जल्दी से जाओ। अब अच्छा हुआ चाचा जी आपको याद आ गया, वरना दादी जी ना हमारी खटिया खड़ी कर देती। अच्छा हम चलते हैं। हाँ ठीक है। हाँ। बिटिया वो सब हम समझ गए, अब ये बताओ कि तुम दुखी क्यों? जी चाचा जी कुछ नहीं, वो अम्मा जी ने साड़ियाँ दान में दी ना, तो उसमें कुछ साड़ियाँ मेरी आई की थी। माझा लहानपणापासून मतलब बचपन की निशानी थी वो, तो थोड़े इमोशंस जुड़ गए थे उससे। बस इसी बात का थोड़ा बुरा लगा, और मैंने जानबूझ के नहीं, मुझे बुरा लगा इसलिए गलती से मेरे मुंह से निकल गया। और भाभी जी ने तिल का ताड़ बना दिया। अच्छा जी वो, अच्छा ये बताओ ये बात शिव को पता? वो भी नाराज होकर चले गए। शिव की चिंता तुम मत करो, उसे मैं कान से खींच कर लाऊंगा और उसकी अकल ठिकाने कर दूंगा। अरे बात भाभी जी की, उसे हमारी अम्मा संभाल लेगी। मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुम चिंता मत करो। अब खाइए ना। हाँ मुस्कुराओ। अरे मुंबई वाली, अरे चाय बनी कि नहीं? जी दादी जी बस दो मिनट। ओ जौनपुर वाली, अरे कितना आराम करोगी, अब आओ भी। आ रहे हैं माता जी। अरे बोले ना, ये हमारे आराम के दुश्मन हो तो आराम कैसे कर सकते। अरे वाह, आज तो तुम खुद अपनी तारीफ कर रही हो। जी माता जी। अरे हम तुम्हें आराम का दुश्मन कह रहे हैं। माता जी आप मजाक कर रहे हैं, थोड़ा मुस्कुराओ। अरे मुस्कुराओ भी। अरे वाह मुस्कुराई, लगता है आज सूरज पश्चिम से उगा है। चलो इसी बात पे हमें चाय पिलवाओ। जी माता जी। रुको रुको, आ जाओ यहाँ बैठो हमारे पास। अरे आओ भी बैठ जाओ। अरे बहुरानी बैठ जाओ अपनी सास के पास। अब कहो अपनी बहुओं से चाय ले आ। सरला गौरी माताजी के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। अरे वाह, ओ जौनपुर वाली देखो तुम्हारी पसंद का नाश्ता है। हाँ आज तो तुम भी हमारे साथ नाश्ता करो। माता जी आप नाश्ता कीजिए, हमारा दिल नहीं है कुछ खाने का। अच्छा चलो ये चाय पी, हम दे रहे हैं, लो चाय पियो। लो, 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 लो। अरे पियो भी। हाँ पियो पियो पियो। जौनपुर वाली हम क्या कह रहे हैं सुनो, बैर से क्रोध का जन्म होता है और क्रोध से तन और मन दोनों की हानि होती है, इसलिए ये क्रोध अपने मन से निकाल दो वरना ये अंदर ही अंदर नासूर बन जाएगा और फिर तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। और हम क्या कहते हैं, हैं? हमें देखो 70 साल के हो गए हैं लेकिन अभी तक टनटनाट हैं। पूछो कैसे, पूछो पूछो जी। क्या है कि हम अपने दिल में ना कोई बात नहीं रखते हैं। जो हमारे दिल में भड़ास होती है ना हम तुम पर निकाल देते हैं। क्या कहते हैं कि तुम भी अपने दिल की भड़ास अपनी बहू पे निकाल दो,
माता जी, हमें जो कुछ भी कहना था हम कह चुके। रुको, मुंबई वाली। जी दादी जी। यहाँ आओ जरा, अभी करते हैं बात। जी। अच्छा तो मुंबई वाली, अब तुम बताओ, हा? तुम क्या चाहती हो? कि तुम्हारी सास तुम्हारा कोई सामान न छुए? नहीं नहीं दादी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। वैसे भी आज जो भी मेरे पास है वो सब अम्मा जी का ही दिया हुआ है। यहाँ तक कि इनके बेटे से रिश्ता जोड़कर मैं बनारस आई हूँ। मग मैं तुझे मजे का करें, मतलब जो भी मेरा है वो सब इन्हीं का तो है। कर तो दिया गौरी, तुम अच्छे से जानती हो कि हम तुम्हें साड़ियों में तौल सकते हैं। फिर भी तुमने अपनी उन 4 सूती साड़ियों के लिए हमें कितना कुछ सुनाया। नहीं अम्मा जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं वो क्या है कि वो साड़ियां मेरे आई की थी, मेरे इमोशंस जुड़े हैं उनके साथ, मेरी बचपन की यादें हैं। तो बस इसी बात का थोड़ा बुरा लगा और गलती से मुंह से निकल गया। मैं इसका मतलब तुम्हारी आई ने अपनी पुरानी सूती साड़ियां तुम्हें दी? नहीं अम्मा जी, वो मुझे बहुत पसंद थी इसीलिए। लेकिन गौरी, बस 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 बस, जौनपुर वाली हमारी बात सुन। तुम्हारी दी हुई भारी से भारी साड़ियां भी एक माँ की दी हुई साड़ी की कमी पूरी नहीं कर पाएगी। सही कह रही दादी जी, उन साड़ियों की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। सरला, गंगा जली लेके आओ। जाओ गंगा जली छिड़को। जी दादी। हाँ। जौनपुर वाली, देखो अब ये गुस्सा छोड़ दो है? और इस बात को यहीं खत्म करो। गौरी जी, आपको समझने में सिर्फ अम्मा ने ही गलती नहीं की, हमने भी गलती की है। गुस्से में न जाने क्या क्या कह दिया आपसे। गौरी बिटिया, मैंने कहा था ना कि मुन्ना को मैं कान से खींच कर लेके आऊंगा। सुन लिया तुम्हारे पति को? मुन्ना चलो माफी मांगो। हमें माफ कर दीजिए गौरी जी। देखिए देखिए, हम आपके लिए आई जैसी साड़ियां लेके आए हैं। इसमें आई का प्यार तो नहीं है पर उनकी झलक जरूर है। इसका मतलब गौरी अपनी आई की तरह सूती साड़ियां पहनेगी इस घर में? हाँ तो क्या हुआ है? अरे साड़ी साड़ी होती है। और मुन्ना, अरे इतनी कंजूसी है, सिर्फ 2 ही साड़ियां? अरे भाई अपनी दुकान ले जाओ अभी के अभी गौरी को, और ये जितनी का है उतनी साड़ियां दिलाना इसे।